और अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे बिलासपुर जिले की, जहां उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने निवेशकों से प्रदेश के उद्योग मित्र माहौल का लाभ उठाने और युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने का आह्वान किया है। बिलासपुर में आज चेतना संस्था द्वारा आयोजित मेगा रोजगार पर्व के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने कहा कि 4.5 वर्षों में सरकार ने उद्योगीकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। विक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट, फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। बिलासपुर के अंदर एक बहुत अच्छी पहल श्री हरीश नड्डा जी ने की है। एक रोजगार पर्व इस क्षेत्र के अंदर लग रहा है और एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ, और ये जो काम यहाँ हो रहा है जिसमें लगभग मुझे बताया गया है कि 110 के करीब कंपनियाँ यहाँ पर आई हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन कंपनियों के माध्यम से जो हमारे बच्चे यहाँ पे आए हैं, टैलेंटेड बच्चे आए हैं, टेक्निकल एजुकेशन वाले भी आए हैं, दूसरे लोग भी आए हैं, इनको इसमें रोजगार मिलेगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना से हजारों युवाओं ने अपने उद्यम शुरू किए हैं। उद्योग मंत्री ने कहा कि रोजगार पर्व में आए कंपनियों के अधिकारी युवाओं का सही मार्गदर्शन करें और उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें रोजगार प्रदान करें। जो समस्याएं अक्सर इंडस्ट्रीज में जाके आती हैं, जिनके बारे में मेरे को हल्का फुल्का एक्सपीरियंस है, वो बातें भी मैंने कही और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इंडस्ट्रीज के अंदर ज्यादा से ज्यादा बच्चे हिमाचल के होंगे, मिनिमम वेजेस की कोई वायलेशन नहीं होगी, उन बच्चों का प्रोविडेंट फंड भी कटेगा और हमारे बच्चों को अच्छा रोजगार जो है वो मिलेगा।